हेलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम बॉन्ड uh, इन या बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में भी हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इन की डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं जब आप एक मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक uh, करते हो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या Uh, जब एक मोल ऑफ बॉन्ड बनता है गैशियस एटम से एटम जब गैशियस स्टेट में होते हैं जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में हैं तो वो कंबाइन करके H और H के बीच में एक मोल ऑफ बॉन्ड बना लेते हैं जैसे ये हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में है हाइड्रोजन गैशियस स्टेट में है तो ये आइसोलेटेड स्टेट में है और गैशियस स्टेट में है ठीक है तो एक मोल ऑफ बॉन्ड जो है बन गया वन मोल ऑफ बॉन्ड जो है बन गया तो इस दौरान वन मोल ऑफ बॉन्ड के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं हम उसको बॉन्ड एनर्जी कहते हैं वाइस वर्सा भी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में पेरियोडिक टेबल में भी बताया हुआ है कि आप ए वन मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो और इसको डिसोशिएट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं इसे डेल्टा बी एच यानी कि बॉन्ड इन थेलपी के साथ लिखा जाता है जो डायाटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि एच टू ओ टू एन टू सी एल टू एच सी एल एच एफ उनमें बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के इक्वल है यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोलेटेड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड डिसोसेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इक्वल होगी जब ये दोनों कंबाइन करके uh, ये वन मोल ऑफ बॉन्ड बनाते हैं मतलब चाहे रिएक्शन को इस तरफ ले चाहे इस तरफ से ले अगर इस तरह से लेते हैं तो वो बॉन्ड एनर्जी है इस तरह से लेते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल है और डायटॉमिक मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्ड एनर्जी है डायटॉमिक मॉलिक्यूल में इसे इन्थेलपीज ऑफ एटमाइजेशन भी कहा जाता है टिल हियर आगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल पे चलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है ठीक है एवरेज बॉन्ड एनर्जी जैसे आपके पास ये कार्बन है और इसके साथ चार हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हैं आपने एक कार्बन और चार हाइड्रोजन बना में इसको डिसोशेट करना है तो यू नो फर्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जैसे ये सी एच बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 427 है उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बदल गया यानी कि कार्बन के साथ तीन बॉन्ड रह गए तो सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए थर्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए फोर्थ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए क्योंकि जब एक बॉन्ड आप तोड़ देते हो तो पीछे से जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट और मॉलिक्यूल का बदल जाता है तो ये मिथेन की एग्जाम्पल दी हुई है कि मिथेन में फर्स्ट बॉन्ड जब आप ब्रेक करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एनर्जी रिक्वायर्ड इज़ फोर सेकेंड बॉन्ड के लिए 439, थर्ड बॉन्ड के लिए 452, फोर्थ बॉन्ड के लिए 347, टोटल जो है 1665 है तो अब हम जब नमेरिकल्स लेंगे तो उसमें हम ये तो नहीं बता सकते ना कि कौन सा बॉन्ड टूटा है पहला टूटा है, दूसरा टूटा तीसरा टूटा कि चौथा टूटा हमें क्या पता कौन सा बॉन्ड टूटा है और कौन सी एनर्जी हमें मेंशन करनी है तो हम क्या करते हैं कि ये चारों कार्बन और हाइड्रोजन के जो चार बॉन्ड हैं उसको ब्रेक करने के लिए जो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड थी सिक्सटीन किलो जउल पर मोल थी तो चार बॉन्ड ब्रेक करे थे तो इसको चार से डिवाइड कर दिया तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है 416 मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की निकल आई इसका मतलब कि पॉली पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है पॉली पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये एवरेज बॉन्ड एनर्जी है पॉलीअटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए वी नीड एवरेज बॉन्ड एनर्जी कॉडट अब हमें पता चल गया कि डायाटोमिक और पॉली अटोमिक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं तो अब हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं निमेरिकल्स को कैलकुलेट करने का बॉन्ड इंथेलपीज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बड़े ध्यान से देखिएगा दिस इज इंथेलपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ़ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैंने स्टार्स इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि नॉर्मली आपने जब डेल्टा एच निकालना होता है तो आप लिखते हो सम ऑफ इंथेलपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथेलपी ऑफ रिएक्टेंट ये बॉन्ड एनर्जी से निकालना है न्यूमेरिकल तो इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है सो so, जब आपको इंथेलपी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड इन्थेलपी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी न्यूमेरिकल में गिवन है से कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स अब हम आपको लिए चलते हैं इनके न्यूमेरिकल्स पे के इनके नमेरिकल जो हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ़ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ़ प्रोडक्ट के साथ हम इंथेरेपी ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाल सकते हैं सारे नमेरिकल्स जो हैं मैंने पहला न्यूमेरिकल जो है ईजियर सा लिया है उसके बाद फिर मैंने न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े टेक्निकल करने शुरू कर दिए हैं तो हमारे पास पहल नमेरिकल नंबर वन जो है बॉन्ड इंथेलपीज़ के ऊपर बेस्ड है उस पर कहा गया कैलकुलेट Bond enthalpy of hydrochloric acid given that bond enthalpies of H2 and Cl2 are 430 kJ per mole and 242 kilojoule per mole, respectively, and standard enthalpy of formation for HCl is minus 91 kilojoule per mole. तो हमें बॉन्डिंग इन एच की निकालनी है तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इक्वेशन लिख लीजिए उसमें आपको एक मोल ऑफ एच बनाना है तो एक मोल ऑफ एच बनाने के लिए एक एच चाहिए तो वह वन बाई टू एच टू हो सकता है एक क्लोरीन चाहिए वो वन बाई टू सी टू हो सकता है क्योंकि ये जो सी टू है मॉलिक्यूल है तो इसका एक क्लोरीन एटम तो नहीं यहाँ पे ले सकते और हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन एटम नहीं ले सकते हाफ़ मॉलिक्यूल एच टू का ले लिया हाफ मॉलिक्यूल क्लोरीन का ले लिया और एच सी एल हमारा फॉर्मेशन हो गया तो हमें ये कैलकुलेट करना है नमेरिकल के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट बॉन्ड इन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बॉन्ड इन जो है वो कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड थेरेपी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉमूला बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो आप आ जाइए बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में क्या है वन बाय टू बाड एनर्जी ऑफ एच टू प्लस वन बाय टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन ये रिएक्टेंट हो गया आपके माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये एच सी एल जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे है ये इंथेरेपी हमें गिवन है 91 वन किलो चाव दिस इज गिवन टू अस इन द नमेरिकल सो राइट हियर माइनस नाइंटी वन इक्वल टू वन बाय टू हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 430 थर्टी एंड टू फोर्टी टू है हाइड्रोजन की 430 है वन बाय टू इंटू फोर थर्टी प्लस वन बाई टू इन टू कुलरीन की टू फोर्टी टू है माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सी एल ठीक है ये आप यहाँ तक कर सकते हो ओके okay. तो आ, इसकी आप कटिंग कर सकते हैं कटिंग करके ये टू हंड्रेड फिफ्टीन आ जाएगा इसकी आप कटिंग कर सकते हैं ये वन ट्वेंटी वन आ जाएगा तो ये नेगेटिव का साइन है इसको लेफ्ट साइड पे ले आइए ये पॉजिटिव हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू टू वन फाइव प्लस वन टू वन प्लस माइनस नाइन्टी वन राइट साइड पे आ जाएगा प्लस नाइन्टी वन यू गेट फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन किलो जेउल पर मोल दिस इज गोइंग बी योर आंसर और उन्होंने यही कहा था आप बॉन्ड इन यानी कि बॉन्ड एनर्जी एच सी एल की कैलकुलेट कीजिए आई एम श्योर कि आपको ये पहला नमेरिकल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा ठीक है गॉट इट बच्चा चलो आगे चलते हैं हमारे पास जो सेकेंड नमेरिकल है सेकेंड नमेरिकल में उसने कहा है कि प्रोपेन प्रोपेन आपने पढ़ा हुआ ना इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री टेंथ स्टैंडर्ड में आप इथेन और प्रोपेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर है सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री कैलकुलेट चेंज इन इन फॉर द रिएक्शन तो प्रोपेन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा ये डाटा में गिवन है और एवरेज बॉन्ड इन थेलपीज गिवन है मैंने आपको बताया था कि पॉली पॉलीअटामिक मॉलिक्यूल में एवरेज बॉन्ड एनर्जी गिवन होती है चलो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए जो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है 347 है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 414 किलो जाउल पर मोल है कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ होता है तो सी डबल बॉन्ड ओ ये कि बॉन्ड एनर्जी एवरेज जो है 741 है ओ टू के बीच में डबल बॉन्ड होता है इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है 498 किलो जाउल है वाटर जो है वो क्या होता है एच ओ एच तो उन्होंने ओ oh एच की एनर्जी देनी है ना कि एच ओ एच की देनी है तो ओ एच की बॉन्ड एनर्जी 464 सिक्सटी फोर पर मोल है रिस्पेक्टिवली सबकी बॉन्ड एनर्जी किलो लो पर मोल में गिवन है यहाँ तक बताइए कि आपको क्लियर हो गया तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या लिखते होते हैं इंथेल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे चलते हैं रिएक्टेंट हमारे पास क्या है प्रोपेन है इसको ओपन करके लिखना है सी थ्री एच एट है सी 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 हर कार्बन के साथ चार बॉन्ड लगे होते हैं एक हाइड्रोजन इधर एक इधर एक इधर तीन वलेंसीज पूरी होगी कार्बन की चौथी वैलेंसी इस कार्बन के साथ इस कार्बन को पहले को दूसरे से जोड़ दिया अब ये जो दूसरा कार्बन है लेफ्ट और राइट साइड पे कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके साथ दो हाइड्रोजन लग सकते हैं ऊपर और नीचे तीसरा कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है और बाकी तीन तरफ इसके तीन हाइड्रोजन बना देने ये बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की यानी कि प्रोपेन को एलेबोरेट करके लिख दिया अभी रिएक्टेंट में प्लस का साइन आ गया फिर फाइव क्योंकि इसका जो कॉफिशेंट है फाइव है फाइव इंटू एनर्जी ऑफ ओ यानी ओ डबल बॉन्ड ओ ये रेक्टेंट हो गए मैंने नीचे लिख भी दिया है माइनस थ्री इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया हालांकि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाना है तो ये मेरे पास प्रोडक्ट की साइड पे थ्री बॉन्ड एनर्जी ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया प्लस फोर बॉन्ड एनर्जी ऑफ वाटर आ गया मेरे पास यहाँ पे वाटर भी नहीं है ओ एच केवल है मैं आपको बताऊंगा कि इसको ओ OH एच में कैसे कन्वर्ट करना है चलिए आगे चलते हैं इन थेलपी ऑफ रिएक्शन टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन अब यहाँ पे टू को लिया है क्योंकि ये कार्बन जो है इस तरफ से एक बॉन्ड और इस तरफ से भी एक बॉन्ड बना रहा है मतलब कि बाकी जो कार्बन है हाइड्रोजन से ही जुड़े हुए हैं इस तरफ भी हाइड्रोजन से जुड़ा है इस तरफ से भी ठीक है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो दो कार्बन की बॉन्ड एनर्जी हमने लेनी है मतलब अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने होंगे तो एक ये तोड़ सकते हैं एक ये तोड़ सकते हैं कार्बन और कार्बन के बॉन्ड अगर ब्रेक करने हो तो दो ही बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं एक ये वाला एक ये वाला तो टू इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन प्लस एट इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच तो सी एच बॉन्ड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट रिपीट कर देता हूँ वन टू थ्री सी एच के बॉन्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इंटू बाड एनर्जी ऑफ सी एच प्लस फाइव इंटू बाड एनर्जी ऑफ ओ टू ठीक है ये हमारा हो गया रिएक्टेंट्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हमें जो डाटा गिवन है उसमें सी ओ की बॉन्ड एनर्जी गिवन है तो इस तरफ भी सी है इस तरफ भी सी है वैसे ये थ्री है तो अगर ये सी और ये सी ले लें तो टोटल कितने हो जाएंगे थ्री को सी से दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे सिक्स मतलब हम थ्री कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं और ऐसे ही हमें ओ एच की बनाए जबकि ओ एच वाटर में दो हैं दो को चार से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए एट एट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एच ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गए अब सबकी वैल्यूज़ पुट करनी है इन ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है इक्वल टू टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ़ कार्बन कार्बन कितनी है थ्री फोर्टी सेवन टू इंटू थ्री फोर्टी सेवन प्लस एट सी एच की बॉन्ड एनर्जी फोर हंड्रेड फोर्टीन फोर हंड्रेड फोर्टीन प्लस फाइव इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ टू यानी फाइव मल्टीप्लाई बाई फोर नाइन्टी एट फाइव इंटू फोर नाइन्टी एट तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया माइनस सिक्स इंटू सेवन फोर्टी वन तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी है सेवन फोर्टी वन सिक्स को सेवन फोर्टी वन से मल्टीप्लाई किया प्लस का साइन है प्लस एट इंटू ओ एच ओ एच की बाउंड एनर्जी फोर सिक्सटी फोर है एट इंटू फोर सिक्सटी फोर ठीक है ये हो गया प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, कर लो ये आ गया और फिर सिक्स को सेवन फोर्टी वन से मल्टीप्लाई कर लो फोर्टी फोर हंड्रेड फोर्टी सिक्स आ गया प्लस एट को फोर सिक्सटी फोर से मल्टीप्लाई कर लो ये बच्चों वाली बातें हैं तो ये सब प्लस करो और उसमें से ये वैल्यूज़ माइनस करो आपके पास इंथेलपी ऑफ रिएक्शन जो है माइनस सिक्सटीन हंड्रेड सिक्सटी टू किलो जल पर मोल आ गया यानी इस रिएक्शन के दौरान जो मतलब ये पूरा रिएक्शन जो है इसके दौरान जो इंथेलपी ऑफ रिएक्शन है एनर्जी जो रिलीज होगी वो कितनी रिलीज होगी 1662 हंड्रेड सिक्सटी टू किलो जब पारोल आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस क्लियर है ठीक है आगे चलते हैं ओके थर्ड मेडिकल बॉन्डिंग थेपी का चलिए देखते हैं इसमें क्या है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सी सी एल बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सी एच फोर प्लस सी एल टू गैस सी एच थ्री सी एल यानी कि यहाँ पे सी सी एल बॉन्ड होगा प्लस एच सी एल और इन ऑफ रिएक्शन उसने पहले दे दिया है मतलब ये दे दिया उसने डेल्टा एच उसने पहले दे दिया है फार्मूला तो ऑफ कोर्स यही अप्लाई करेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स लेकिन इसको लिखना कैसे है सी एच फोर को इसको एलेबरेट कर दीजिए इसको एक्सपैंड कर दीजिए कार्बन के साथ चार बॉन्ड लगे होते हैं ये गैश फॉर्म में है फिर ये हमारे पास कुलन है सी एल सी एल गैस फिर हमने एरो का साइन लिया सी एच थ्री सी एल यानी कि एक कुलरीन ने हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया यानी कि यहाँ से रिप्लेस कर दिया कुलरीन यहाँ पे लग गया यहाँ पर यहाँ पर या यहाँ पे, या यहाँ पे, 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 कहीं पे मर्जी मैंने इधर लगा दिया बाकी तीन हाइड्रोजन लगे हैं तो एक यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल के आया वो एक कुलरीन से ज्वाइन करके एच बन गया जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है और डेल्टा एच माइनस हंड्रेड डेसीमल थ्री किलो जाओ पर मोल है ठीक है तो बॉन्ड एनर्जी जो हमें सी एच की गिवन है फोर हंड्रेड थर्टीन सी एच की सी एल सी एल की गिवन है टू फोर्टी थ्री और एच सी एल की गिवन है एच सी एल की कितनी गिवन है फोर थर्टी वन एच सी एल की फोर थर्टी वन सी सी एल की नहीं गिवन सी एच की गिवन है सी एल सी एल की गिवन है एच सी एल की गिवन है सी एच की कैलकुलेट करनी है यानी सी एच की गिवन है सी एल सी एल की गिवन है सी एच की गिवन है एच सी एल की गिवन है सी सी एल जो है वो कैलकुलेट करना है फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डेल्टा एच इक्वल टू फोर फोर क्यों एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बाउंड चार चार सी एच फोर इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कुलरीन ये रिएक्टेंट हो गए प्रोडक्ट में तीन सी एच बॉन्ड है एक दो तीन थ्री इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच प्लस एक सी सी एल बॉन्ड है जो हमने कैलकुलेट करना है प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सी एल इज़ ऑल्सो गिवन टू अस डेल्टा एच इज इक्वल टू सी एच की बॉन्ड एनर्जी कितनी के बनाए फोर हंड्रेड थर्टीन फोर इंटू फोर थर्टीन प्लस सी एल सी एल की बॉन्ड एनर्जी टू फोर्टी थ्री प्लस टू फोर्टी थ्री ब्रैकेट डाल दी रिएक्टेंट कम्प्लीट हो गए माइनस प्रोडक्ट पर चलते हैं थ्री इंटू बानर्जी ऑफ सी एच सी एच की बॉन्ड एनर्जी है फोर थर्टीन थ्री को फोर थर्टीन से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी एल ये हमें कैलकुलेट करना है तो ये एक्स हो गया प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच सी एल फोर थर्टी वन वी हैव रिटन कॉट इट सो डेल्टा एच की वैल्यू हमने लिख दी माइनस हंड्रेड पॉइंट थ्री इज इक्वल टू फोर को फोर थर्टीन से मल्टीप्लाई किया सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी टू प्लस टू फोर्टी थ्री माइनस थ्री को फोर थर्टीन से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व थर्टी नाइन प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी एल दिस इज़ टू बी कैलकुलेटेड प्लस फोर थर्टी वन ये हमें सर कैलकुलेट करना है तो क्यों ना हम इसको राइट right साइड पे ले आए और माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ही बनेगा इसे लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो वहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी इसको और इसको इसको ऐड किया 1895 आ गया माइनस 1239 ठीक है ये 431 ये डेल्टा एच जो हम इस तरफ लाए थे और इसको हम इस तरफ ले गए हैं अब बताइए इससे ज़्यादा मतलब और भी ज़्यादा डिटेल में छोटे से छोटे स्टेप नहीं बताए जा सकते अब यहाँ से आप बॉन्ड एनर्जी सी, -सी की कैलकुलेट कर लीजिए इसको 1239 नाइन को फोर थर्टी वन में ऐड कीजिए हंड्रेड ऐड कीजिए आगे साइन नेगेटिव का है इनको पकड़ के 1895 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए 325.3 पर मोल इज़ गोइंग बी योर आंसर आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ठीक चौथा निकल एग्जैक्टली ऐसे ही है वो आप के लिए रख दिया मैंने हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है इक्वेशन सारी गिवन है और डेल्टा इसका गिवन है फिफ्थ न्यूमेरिकल में आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको खुद करवाना चाहता हूँ फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है बहुत ही टीटीएस है अनसोल्व न्यूमेरिकल है सॉल्व में नहीं है सॉल्ड में भी होता तो ये ऐसे ही होना था अनसोल्व में देखिए जो चीज़ टिपिकल है टिपिकल है चाहे वो सॉल्व में दियो चाहे वो अनसोल्ड में दियो अनसोल्व में वो बीस नमेरिकल दे दें उन्नीस के उन्नीस एक जैसे और बीसवा टिपिकल कर जाएँ तो वही आपसे नहीं निकलेगा तो मैंने वो दो निमेरिकल पकड़ के बीच में सॉल्व कर दिए अपने तरीके से जो अनसोल्व में डिफ़िकल्ट थे उन्होंने कहा कि सी, सी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है आप नीचे वाले डाटा से कैलकुलेट कीजिए टू कार्बन ग्रेफाइट और थ्री हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके इथेन गैस देते हैं और डेल्टा एच जो है रिलीज होती है एनर्जी एटी फोर डेसिमल सिक्स सेवन किलो चाउल नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी रिलीज होती है कार्बन ग्रेफाइट को गैशस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है 716.3 हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट थ्री किलो चाउल हाइड्रोजन गैस को एटॉमिक हाइड्रोजन में ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है 435.9 किलो थर्टी फाइव डेमल स्टेटमेंट ही चल रही है तो अज्यूम यहां तक स्टेटमेंट है कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 416 किलो चाउल है ठीक है अब हमने इसको डेल्टा एच इसका का रिएक्शन का पहले कैलकुलेट करना है फ्री कार्बन और कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट होगी पर डेल्टा एच भी कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा रिएक्शन में देखिए हमारे पास इसको ब्रेक करना है मुझे कैसे पता चला क्योंकि उसने कहा कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कीजिए इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड पे ले लिया और जब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के छः के छः कार्बन हाइड्रोजन के छः के छः हाइड्रोजन टूट जाएंगे सिक्स हाइड्रोजन गैस आ जाएगा दो कार्बन आपस में से अलग हो जाएंगे तो टू कार्बन गैस आ जाएगा अब ये आपके पास रिएक्टेंट हो गया ये आपके पास प्रोडक्ट हो गया वो बड़ा बात अलग है कि इनकी बॉन्ड एनर्जी हमें ना तो गिवन है ना हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि दो इंडिविजुअल कार्बन है अटोमिक फॉर्म में है उनको तो ब्रेक करना ही नहीं है तो इनकी बॉन्ड एनर्जी तो ज़ीरो ही होगी और इसको भी ब्रेक नहीं करना क्योंकि ये छः के छः हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड हैं तो इसलिए हम सबसे पहले इस इक्वेशन को ये जो तीन डाटाज गिवन हैं उनको इसमें कन्वर्ट करते हैं इनको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आ, मुझे आ, जो है दो कार्बन चाहिए तो मैं इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऑपरेट में और मुझे छः हाइड्रोजन चाहिए मैं इक्वेशन थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि थ्री टू का सिक्स सिक्स हाइड्रोजन हो जाए और मुझे एक सी टू एच सिक्स चाहिए जो कि इक्वेशन वन में है उसको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा ठीक है तो इसको टू से मल्टीप्लाई कीजिए इसको थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए ऐड कर दीजिए उसमें से इक्वेशन वन को माइनस कर दीजिए और वही इनकी इंथेरेपीज़ को कीजिए तो वही जब आप उनकी इंथेलपीज़ को करेंगे तो आपका डेल्टा एच जो है वो ट्वेंटी एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव डेसिमल सेवन सेवन किलो जाउल निकल आएगा अब मुझे कैलकुलेट करना है सी सी बॉन्ड एनर्जी ये रिएक्टेंट हो गए ये प्रोडक्ट हो गए तो फार्मूला लगाएंगे डेल्टा एच जो कि मैं निकाल चुका हूँ जो कि न्यूमेरिकल में नहीं गिवन था ट्वेंटी एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन सेवन किलो जाउल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में दो कार्बन हैं सी सी प्लस सिक्स सी एच है तो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो क्योंकि ये सारे एटॉमिक फॉर्म में हैं ये लेना ही नहीं है इसका मतलब ठीक है इसलिए यहां पे जीरो लिख देना तो डेल्टा एच हमें गिवन है बॉन्ड एनर्जी सी सी की कैलकुलेट करनी है सी एच की वैल्यू उसने 416 गिवन है सिक्स इंटू फोर सिक्सटीन इसको छोड़ ही दीजिए ये आपने निकालना है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दीजिए 2825.77 में से इसको मल्टीप्लाई करके आया था 2496 इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए 329.77 किलो जउल पर मोल आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सी जो है वो आ गया आई एम वेरी श्योर के आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आपने इसकी जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है नमेरिकल्स में वो आपने ट्राई करनी है और उसमें ये नमेरिकल भी है वो अब आपको मैंने करा दिया एक और नमेरिकल है वो भी मैंने करवा दिया ठीक है बच्चा सो वी कॉल इट अ डे इसके साथ ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स हमारा ख़त्म हुआ और हम अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम कल मिलेंगे आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स से शुरू करेंगे और ये सफकोर्स लिमिटेशन पहले पढ़ाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स की Uh, या मैं अभी पढ़ा देता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की लिमिटेशन बस सिंपल uh, सी बात है फ़र्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें यह नहीं बता पाया कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं होगा कि नहीं होगा हीट ठंडी जगह से गर्म जगह पे फ्लो करती है तो कैसे फ़्लो करती है या नहीं फ़्लो करती तो क्यों नहीं फ़्लो करती वाटर uh, में सॉल्ट uh, डिज़ोल्व हो जाता है तो क्यों होता है या नहीं होता ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें जो है वो नहीं बता पाया ये जब मैं नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगा तो उसमें लिमिटेशंस जो हैं वो मैं बताऊँगा आपको कि ये लॉ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये ये भी नहीं बताता कि गैस लो प्रेशर से हाई प्रेशर तक फ्लो कर सकती है मूव कर सकती कि नहीं कर सकती और पानी जो है पहाड़ के ऊपर चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता तो इसके साथ ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स और उसकी लिमिटेशन तक आपका ये पार्ट खत्म हो गया और कल हम शुरू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनमिक्स विद दिस आई वुड लाइक टू टेक यूर लीव थैंक यू वेरी मच वी कॉल इट अ डे लव यू ऑल बच्चे। हैव ए ग्रेट डे